नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी F41 के कुछ ऐसे फीचर के बारे में बताऊंगा जिन्हें दोस्तों हम काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं और दोस्तों हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको कई ऐसे फीचर बताऊंगा जो सैमसंग गैलेक्सी F41 के अंदर दिए गए हैं और जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे मैं जब भी कोई यूट्यूब पर वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको उन फीचर के बारे में बताता हूँ। दोस्तों पहले फीचर की बात करें तो जो मिलेगा आपको नोटिफिकेशन बार में, जैसे दोस्तों आप इसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डार्क मोड का। दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं जिनको डार्क स्क्रीन पसंद होती है तो आप यहाँ से इसे ऑन कर सकते हो। जैसे दोस्तों आप इसे ऑन करोगे तो आपकी डिस्प्ले दोस्तों वो एकदम ब्लैक ब्लैक हो जाएगी। काफ़ी लोगों को डार्क स्क्रीन पसंद आती है, उन्हें दोस्तों ब्लैक स्क्रीन जो होती है वो काफ़ी पसंद आती है। तो आप इस तरीके से इसको ब्लैक कर सकते हो और आपको हटाना है तो फिर से आपको उसी पे जाना होगा और आप इसे ऑफ कर सकते हो। दोस्तों काफ़ी अच्छा फीचर है जो आपको सैमसंग के इस F41 में मिलता है, वैसे और भी डिवाइस में मिलता है बट दोस्तों इसमें मिलता है तो काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों अगले फीचर की बात करें तो ज़्यादा दोस्तों फोकस मोड। दोस्तों अगर आप किसी चीज़ पर फोकस कर रहे हो और आपके फ़ोन पर बार बार मैसेज या फोन या फिर नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो आप इसे ऑन कर सकते हो। जैसे आप इसे ऑन करोगे तो दोस्तों देखिए आपका जो फ़ोन है वो एकदम से दोस्तों आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी टाइम स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे ही आप इसे स्टार्ट करोगे तो आपका जो फ़ोन है दोस्तों फोकस मोड में चला जाएगा, यानी दोस्तों आपके फ़ोन में सिर्फ आपका फ़ोन और जो मैसेज है वो ऑन रहेगा, बाकी सारी जो एप्लीकेशन है सारी बंद हो जाएंगी, कोई भी एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगी जब तक आप इसे डिसेबल नहीं कर देते। कहीं दोस्तों अगर आप किसी चीज़ पर फोकस कर रहे हो और आपके फ़ोन में बार बार नोटिफिकेशन आ रही हैं तो आप इस फीचर को ऑन करके अपने इस मोबाइल को साइलेंट पर लगा सकते हो जिससे आपको बार किसी भी एप्लीकेशन को बार बार ऑन या ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप फिर से अपने फ़ोन को फेरिता करना चाहते हो तो आपको फिर से ऊपर से यहीं पर स्क्रॉल डाउन करना है और आपको इस फीचर को ऑफ कर देना है। दोस्तों काफ़ी अच्छा फीचर है जो आपको सैमसंग के गैलेक्सी F41 में मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट फीचर की बात करें तो ज़्यादा दोस्तों पावर बटन के अंदर काफ़ी लोग होते हैं दोस्तों जो बाइक पर चलते टाइम या फिर रास्ते में चलते टाइम फ़ोन पर बात करते हैं। दोस्तों फ़ोन कट दोस्तों जब हमारी बात पूरी हो जाती है तो हमें फ़ोन कट करने के लिए फिर से दोस्तों हमें डिस्प्ले पर आना पड़ता है और जहाँ पर जो रेड कलर का ऑप्शन आता है कट करने वाला एंड वाला उस पर हम क्लिक करना पड़ता है। बट दोस्तों जैसे ही दोस्तों आप इस कॉल में जाओगे और थ्री डॉट पर जाओगे तो दोस्तों आपको सेटिंग में जाना है। यहाँ जाने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आंसर एंड एंडिंग कॉल, तो आपको इस पर क्लिक करना है और दोस्तों देखिए प्रेस साइड की टू एंड कॉल। अगर आप इसे ऑन कर लेते हो तो आपका दोस्तों जो साइड वाला बटन होता है जो पावर ऑफ ऑन वाला, तो दोस्तों क्या होगा जब आप फोन पर आपके फ़ोन पर कोई कॉल आएगा तो बात पूरी होने के बाद दोस्तों आप इस बटन से अपने फ़ोन को कट कर सकते हो। दोस्तों काफ़ी अच्छा फीचर है और दोस्तों अगर आप इसे इस वाले को ऑन कर देते हो तो आपका दोस्तों ये वॉल्यूम का ऊपर वाला बटन है, इस साइड में होता है ऊपर वाला, आप इससे अपने फ़ोन को उठा भी सकते हो। तो आपको दोस्तों क्या होगा आपको अपने मोबाइल को पॉकेट से निकाल कर और डिस्प्ले देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से अपने फ़ोन को रिसीव कर सकते हो और इस वाले से कट कर सकते हो। दोस्तों काफ़ी अच्छा फीचर है ये। दोस्तों नेक्स्ट फीचर की बात करें तो जो मिलेगा दोस्तों आपको नोटिफिकेशन बार में, आपको दोस्तों नीचे करना है स्क्रॉल डाउन और दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है ब्लू लाइट फिल्टर का। तो दोस्तों अगर आप रात में अपने फ़ोन को ज़्यादा यूज करते हो तो आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हो। ये दोस्तों जब भी हम अपने फ़ोन को रात में यूज़ करते हैं तो हमारी आँखों पर दोस्तों डिस्प्ले लाइट काफ़ी ज़्यादा पड़ती है जिससे हमारी आँखों में दर्द भी होता है। तो जब आप इस फ़ोन को इस फीचर को ऑन कर दोगे तो दोस्तों देखिए आपका जो डिस्प्ले का कलर है वो थोड़ा पीला पीला सा हो जाएगा जिससे हमारी आँखों पर इफेक्ट दोस्तों कम पड़ेगा डिस्प्ले का। तो आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हो रात में अपने मोबाइल को यूज़ करते टाइम, और अगर आप इसे बंद करना चाहते हो तो आप इसे ऑफ कर सकते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट फीचर की बात करें तो ज़्यादा दोस्तों टॉर्च के अंदर, दोस्तों हमारी जो मोबाइल में टॉर्च दी गई है काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि इसका दोस्तों हम जो रोशनी होती है टॉर्च की उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप इसे ऑन करोगे तो दोस्तों देखिए ये मेरी फुल पर है, मैंने इसे फुल कर दी है। अगर आप नॉर्मल दोस्तों क्या होता है जब हमारे फोन टॉर्च आती है तो वो दोस्तों नॉर्मल पर होती है, यहाँ तक दोस्तों देख सकते हो आप बैकग्राउंड में ज़मीन पर
कि जैसे दोस्तों मैं इसकी लाइट बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर दोस्तों रोशनी ज़्यादा होती चली जाएगी, ये देखिए। तो और जब आप इसे बढ़ा के डन कर दोगे तो आपकी टॉर्च पूरे तरीके से जलेगी, ये देखिए। तो आप इसकी रोशनी कम ज़्यादा कर सकते हो। देखो काफ़ी लोगों को पता नहीं है, आपको टॉर्च लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से कम ज़्यादा करना है। दोस्तों अगले फीचर की बात करें तो ज़्यादा दोस्तों हमारी गैलरी के अंदर दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं जो अपने मोबाइल से अपने फ़ोटो डिलीट कर देते हैं, बट दोस्तों उनको उन फ़ोटो की जरूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे दोस्तों आप किसी भी फ़ोटो या वीडियो अपने इस गैलरी से डिलीट करते हो तो दोस्तों देखिए यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट कर दिया हमने। बट दोस्तों काफ़ी लोग क्या समझते हैं कि हमारे वो मोबाइल से डिलीट हो चुका है, बट दोस्तों ऐसा नहीं होता। आपको करना है, आपको बैक आना है, यहाँ देखिए दोस्तों थ्री लाइन थ्री डॉट आ रही हैं, आपको थ्री डॉट पर जाना है और यहाँ दोस्तों एक ऑप्शन आ रहा है रिसाइकिल बिन का। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो आपने दोस्तों जो भी फ़ोटो या वीडियो अपने मोबाइल से डाउनलोड की हैं अपनी गैलरी से वो आपके इस फोल्डर में आ जाती हैं। तो दोस्तों आप फिर से उसे दोस्तों देखिए रिस्टोर कर सकते हो, रिस्टोर। जैसे दोस्तों आप रिस्टोर पर क्लिक करोगे तो ये फिर से आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी जाकर। और अगर आप दोस्तों यहाँ से परमानेंट डिलीट करना चाहते हो तो आपको क्लिक करना है और दोस्तों देखिए यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे दोस्तों आप डिलीट पर क्लिक करोगे यहाँ देखिए दोस्तों लिखा हुआ आ रहा है कि परमानेंटली डिलीट, यानी दोस्तों अगर आप इसे फिर से डिलीट कर दोगे तो जो आपके मोबाइल से परमानेंट डिलीट हो जाएगी और आपके फ़ोन में फिर से वापस नहीं आएगी। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा फीचर है जो सैमसंग के फ़ोन में दिया जाता है, जो सैमसंग के गैलेक्सी F41 में दिया गया है। अब दोस्तों नेट फीचर की बात करते हैं तो ज़्यादा दोस्त मैसेजेस के अंदर, अगर दोस्तों आपने अपने फ़ोन से अपने मोबाइल का अपने किसी भी आइटम का कोई बिल या फिर अपने लाइट का बिल इससे दोस्तों आपने अपना कोई बिल भरा है इस मोबाइल से तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मैसेज में लास्ट में यूजफुल कार्ड का। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो आपने अपने मोबाइल से दोस्तों जो भी अपने बिल वगैरह पे किए हैं तो उसके नेक्स्ट मंथ का दोस्तों वो बिल यहाँ पे नोटिफिकेशन में आ जाता है, जिससे दोस्तों आपको पता हो जाएगा कि आपका क्या बिल है, कितना बिल है और आप यहाँ से डायरेक्ट पे भी कर सकते हो। जैसे दोस्तों आप पे पे क्लिक करोगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे पे करने के लिए कि आप किस तरीके से पे कर सकते हो। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी F41 में नया फीचर आया है जिसका यूज आप इस मैसेज में जाके कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं अगले फीचर की। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा डिस्प्ले का, दोस्तों यहाँ आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा स्क्रीन सेवर का। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों देखिए वैसे मोस्टली नॉन लिखा हुआ आता है, जब दोस्तों आप इस कलर वाले पे क्लिक करोगे तो आप इसके प्रीव्यू देखिए इस तरह का प्रीव्यू आएगा जो दोस्तों ये लाइट इफेक्ट का दोस्तों ये स्क्रीन सेवर का काम आता है। जब आप अपने फ़ोन को चार्ज में लगाओगे तो कुछ इस तरह की लाइट आपके मोबाइल में शो होगी। तो दोस्तों चार्जिंग करते टाइम आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा कूल लगेगा अगर आप स्क्रीन सेवर को ऑन कर देते हो तो आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हो दोस्तों, आपको यहाँ पर मिलेगा। और आप इसे ऑफ करना चाहते हो तो आप इसे फिर से ऑफ कर सकते हो। दोस्तों काफ़ी अच्छा फीचर है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, तो जो मिलेगा दोस्तों आपको आपको डिस्प्ले पर क्लिक करना है और यहाँ दोस्तों देखिए होम स्क्रीन सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप जाओगे तो अगर आप अपने फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन है जिसे आप अपने दोस्तों या लोगों को नहीं दिखाना चाहते तो आप उसे ऐड भी कर सकते हो। आपको करना है, आप दोस्तों क्या करना है, आपको डिस्प्ले पर क्लिक करके रखना है, होम स्क्रीन सेटिंग पर आना है। यहाँ आने के बाद दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा हाइड ऐप, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप जो उनसे भी ऐप हाइड करना चाहते हो आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मेरा ये फेसबुक है तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए फेसबुक आ गई और आपको डन कर देना है। डन करने के बाद आपको बैक आ जाना है। अब आपके यहाँ पे नोट इसमें ऐप ड्रॉअर में कोई भी फेसबुक का ऑप्शन नहीं आएगा, ये देखिए। और अगर आप चाहते हो उसे अनहाइड करना तो दोस्तों आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे आना है, थ्री डॉट पे आने के बाद होम स्क्रीन सेटिंग पे आना है और यहाँ आने के बाद आपको फिर से हाइड ऐप पे आना है और आपको इसे हटा देना है और डन कर देना है। अब बैक आना है, बैक आने के बाद दोस्तों देखिए ये हमारा फेसबुक का ऑप्शन आ चुका है। तो आप इस तरीके से अपनी किसी भी एप्लीकेशन को ऐड भी कर सकते हो और उसे अनहाइड भी कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों आपको लगता है कि आपका ये फ़ोन कोई भी यूज कर लेता है और आप नहीं चाहते कि आप अपनी फेसबुक या फिर कोई प्राइवेसी एप्लीकेशन किसी को दिखाओ, तो आप इस तरीके से उसे ऐड कर सकते हो और या फिर बाद में उसे अनऐड भी कर सकते हो।
अब दोस्तों बात करते हैं अगले फीचर की। तो आपको दोस्तों नीचे आना है, इसको डाउन करना है दोस्तों। यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, आपको इस पर क्लिक करना है, इसे ऑन कर देना है। यहाँ ऑन करने के बाद दोस्तों देखिए शो ऑलवेज, आप चाहो तो यहाँ पर कुछ भी ला सकते हो। ये दोस्तों देखिए शो ऑलवेज, देखिए आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आप डन कर दोगे तो देखिए दोस्तों आप कुछ इस तरीके से आपके फ़ोन पर इंटरफेस आएगा। ये देखिए आपकी डिस्प्ले बंद है, आपका फ़ोन लॉक है, फिर भी दोस्तों आपकी नोटिफिकेशन सारी यहाँ पे आ रही हैं और टाइम वगैरह आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, आप अपने मोबाइल में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर अगर लगाना चाहते हो तो इस सैमसंग गलेक्सी X41 में लगा सकते हो, जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा। आपको जितनी नोटिफिकेशन है सो यहाँ पर शो होंगी, टाइम शो होगा, डेट और दोस्तों दिन है, मंथ, सब कुछ शो होने लगेगा। बट दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आप फीचर को यूज़ करते हो तो आपकी जो बैटरी है वो दोस्तों पहले से ज़्यादा फूकने लग जाएगी, यानी दोस्तों कुछ ऐसे कुछ परसेंट आपकी बैटरी कम चलेगी, क्योंकि दोस्तों जो फीचर है आपकी बैटरी को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और आप इसे ऑफ़ करना चाहते हो तो आपको फिर से ऊपर जाना है और इसे ऑन कर देना है, ऑफ़ कर देना है, तो ये आपका फीचर ऑफ हो जाएगा। काफ़ी लोग होते हैं जो अपने मोबाइल में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का सिस्टम लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों क्या करते हैं कि अपने मोबाइल में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करते हैं। बट दोस्तों आप इस सैमसंग गलेक्सी X41 में इस ऑप्शन को कॉल रिकॉर्डिंग वाले को डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है, कॉल वाले इस फोन वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ आने के बाद दोस्तों आपको थ्री डॉट पर आना है, थ्री डॉट पर आने के बाद सेटिंग में आना है। यहाँ दोस्तों देखिए रिकॉर्डिंग कॉल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ऑटो रिकॉर्डिंग पे इसे ऑन कर देना है। देखिए दोस्तों आप इसे ऑन कर दोगे तो आपकी दोस्तों जो रिकॉर्डिंग है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होना लग जाएगी, चाहे दोस्तों किसी का भी फ़ोन आया हो, चाहे आपके फ़ोन में नंबर सेव हो या फिर ना हो, आपकी सारी रिकॉर्डिंग आपकी इंटेल स्टोर में सेव हो जाएंगी। और आप चाहते हो कि आप अपनी रिकॉर्डिंग मेमोरी कार्ड में सेव करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको SD कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है, तो आप जहाँ भी चाहते हो आपकी रिकॉर्डिंग वहाँ पर सेव हो जाएगी। दोस्तों जी हाँ, कुछ खास फीचर जिन्हें आप अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हो और आप अपने सैमसंग गलेक्सी X41 में काफ़ी ज़्यादा फायदा उठा सकते हो। तो आइए अब दोस्तों आपको फीचर के बारे में पता चल गया होगा, आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।